वेल एज अ शेफ मुझसे कई बार सवाल पूछे जाते हैं एंड द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इज कि आपने शेफ बनने का सोचा कैसे। वेल ये शेफ बनने का सफर तब शुरू हुआ जब मैं 9 साल का था। मम्मी की हेल्प करा करता था किचन में और वहीं से ये जो मेरा इंटरेस्ट था किचन का वो करियर में तब्दील हो गया। वेल 11th क्लास में मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे शेफ बनना है, करियर पर ध्यान दिया और आज रिजल्ट्स आपके सामने हैं। जी हाँ, लड़के कुक बन सकते हैं। वेल मेरी फैमिली ने मेरा बहुत साथ दिया क्योंकि आपकी एक चॉइस आपकी जिंदगी बदल सकती है। जैसे मेरी यखनी पुलाव के लिए सही चॉइस है ये फाइनेस्ट दावत बासमती राइस। ये रेसिपी मैं जब भी अपने फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स के लिए बनाता हूँ तो मुझसे हमेशा पूछते हैं कि यार हमारा यखनी पुलाव का जो चावल है वो कभी भी इतना खिला खिला क्यों नहीं बनता। तो आज मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि एक लाजवाब यखनी पुलाव बनाने के लिए सिर्फ मेरी परफेक्ट रेसिपी फॉलो करना काफी नहीं, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सही इंग्रेडिएंट्स को चुनना। दावत का ये लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस जिसका टेक्सचर और खुशबू मेरी सारी डिशेस को एक खास टच देता है, ये है मेरी सीक्रेट रेसिपी। मैं चाहता हूँ कि आप भी इसे ट्राई कीजिए क्योंकि दावत चुनोगे तो फर्क दिखेगा।